So in this particular video and many other videos, like 7-8 videos, we are coming 7-8 videos, we are going to learn about how to build an FMCG model from scratch. Now, what is a FMCG model? Basically, in this particular course of 7-8 videos about FMCG, we are going to build a FMCG model from scratch using pivot tables and slicers. मैंने आपको already introduction दे दिया था pivot tables and slicers का हमारे Excel के classes में. Now using those pivot tables and slicers, कितने efficiently हम लोग अपने एक FMCG model को बना सकते हैं, build कर सकते हैं from scratch, वो हम लोग इस particular section में सीखेंगे. And obviously it is very important because pivot tables and slicers are very important when you're going to present your data to someone who is not so accustomed with Excel. You know, because आप change कर करके दिखा सकते हो कि कौन से data का कौन से variable का आपके data पे सबसे ज़्यादा, कौन से factor का आपके data पे सबसे ज़्यादा effect पड़ता है. तो वो हम लोग करेंगे इस पूरे section में. In the first video, we are going to see what is a FMCG. FMCG is a fast moving consumer goods. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब है? कंज्यूमर गुड्स का क्या मतलब है? जो हम लोग डे टू डे कंजम्पशन में यूज़ करते हैं, टॉयलेट्रीज हो गए, फिर किचन का सारा सामान हो गया, खाने पीने का सारा सामान हो गया, क्लोथिंग, शूज़, दीज आर द डे टू डे कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. नाउ वाई इट इज़ कॉल्ड फास्ट मूविंग? इट इज़ कॉल्ड फास्ट मूविंग बिकॉज ये आपको डेली चाहिए. यू रिक्वायर राशन फॉर योर किचन डेली, यू रिक्वायर टॉयलेट्रीज डेली. तो ये क्या, इसका सेल बहुत ज़्यादा होता है. कोई भी एक शॉप में देखना, कहीं कोई आप एक पर्टिकुलर ग्रोसरी स्टेशनरी शॉप पे जाओ, तो वहाँ पे जो कंज्यूमर गुड्स होंगे वो ज़्यादा जल्दी सेल होंगे. तो उनका जो स्टॉक होता है, जो इन्वेंट्री हम लोग बोलते हैं, स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स होता है, वो बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी निकल जाता है बिकॉज उसका डिमांड हमेशा रहेगा ऑन अ डेली बेसिस. दीज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते. नाउ लेट्स सपोज अ कार. कार इज़ अ ड्यूरेबल गुड. ड्यूरेबल का मतलब ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्गिटिविटी है, उसको हम लोग अपने पास रख सकते हैं फॉर कमिंग नंबर ऑफ ईयर्स. पर हम लोग ऑब्वियसली टॉयलेट्रीज, कंज्यूमेबल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शूज़, इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते. इसको हम लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, विच लास्ट फॉर ओनली अ फ्यू पीरियड ऑफ, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम. These are sold very quickly and at relatively low prices. अब obviously जो भी consumer goods हैं, जो day to day use के लिए हमें जो चाहिए, जैसे मैंने अभी examples दिया, now these are very lowly priced and these are sold very quickly. Now you go to any supermarket, वहाँ पर आप देखो ये सारे जो consumer goods होंगे, उनके जो shops होंगे, उनका जो stock होगा वो maybe हर week आता है and हर week निकल जाते हैं. तो ये होता है FMCG. Sales and producing of consumable goods, basically sales and producing of consumable goods, what are the main features जो produce करने में FMCG में and sale करने में main features क्या जाते हैं हमारे. First feature is high volume. ये जो इनका production है, that is on a very large scale. Now you can take the basic example of, let's say suppose Amul milk, ठीक है. तो इट्स अ कंज्यूमेबल गुड, इट्स एन FMCG. सो इसका बहुत हाई वॉल्यूम पे प्रोडक्शन होता है, उसके बाद इसका सेल्स भी बहुत ही हाई वॉल्यूम पे होता है. सिमिलरली लो मार्जिन्स क्यों? मे बी हर प्रोडक्ट पे जो रिटेलर, आप कोई भी रिटेलर शॉप के पास जाओ तो उनसे आप पूछो कि आपका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना आपका मार्जिन होता है, कितना आपका प्रॉफिट होता है, तो वो बोलेगा मे बी 1 रुपया 2 रुपया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 3 रुपया, इतना ही मेरा मार्जिन है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे. एंड बिलीव मी, इतना ही मार्जिन होता है बिकॉज दीज गुड्स आर लोली प्राइज्ड एंड इन पे इनका जो मार्जिन, द मार्जिन विच दे कीप इज़ वेरी लो बिकॉज द सेल्स टर्न ओवर इज़ वेरी हाई. नाउ सेल्स टर्न ओवर इज़ वेरी हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में इनका सेल होता है, प्राइस कम होता है, प्रॉफिट हर पर प्रोडक्ट कम होता है, पर इन ऑल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज़ वेरी हाई बट द पर यूनिट प्रॉफिट दैट इज़ लो. तो जो नेट इफेक्ट होता है वो होता है कि प्रॉफिट टर्न्स आउट टू बी हाई क्योंकि इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आप सेल कर रहे हो कोई चीज़ को. लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स, देर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन FMCG. अगर आप एक सुपर मार्केट में जाओ सो यू विल गेट टायर्ड काउंटिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, इतने एक प्रोडक्ट के इतने सारे ब्रांड्स हैं. सो देर आर मैनी मैनी प्रोडक्ट्स, लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं.
नंबर ऑफ फर्म्स कम्पीटिंग फॉर द मार्केट शेयर इज़ वेरी हाई. तो जितने इफ़ यू सी डी मार्ट हो गया, बिग बाजार, दीज आर द वेरियस सुपर मार्केट्स यू कैन से जो है जो आपस में कम्पीट करें ऑन अ रिटेलर बेसिस, ऑन अ रिटेलिंग बेसिस जो इन लोग सेल करें. पर वेन यू गो टू द प्रोड्यूसर्स साइड, प्रोड्यूसर्स में भी यू विल सी देर आर मैनी कंपनीज हुआ, हिंदुस्तान लीवर इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट, तो पतंजलि, डाबर, ये सब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लिया, उसमें यू विल सी एन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर कम्पीटिंग एंड एन नंबर ऑफ रिटेलर्स आर कम्पीटिंग. सो देर आर मैनी देर इज़ अ ह्यूज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. द कंपनी सेलिंग एफ एम सी जी वॉन्ट टू नो नाउ द कंपनी हु इज़ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स, उनके लिए क्या मेन फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेगा कि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा फ्यूचर में, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा फ्यूचर में. बाय रेवेन्यू आई मीन सेल्स बढ़ेगा फ्यूचर में. तो यहाँ पे उसके लिए व्हाट ऑल थिंग्स दे कंसिडर इज, पहला इज़ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स. उन लोग देखते हैं कि हम लोग के लिए प्रोडक्ट्स में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उतने प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनमें इतना मुझे मार्जिन नहीं मिल रहा, जिनका सेल्स इतना ज़्यादा नहीं हो रहा. पैकेजेस प्रेफर्ड बाय क्लाइंट्स, जनरली व्हेन यू गो टू द शॉप आप पूरे मंथ का खरीदते हो अपना सामान, तो यू बाय इट इन पैकेजेस, यू डोंट बाय वन मैगी, यू बाय मे बी 10 मैगी पैकेट्स टुगेदर. सो इट्स पैकेजेस, तो आपको अगर ऑफर मिलने लग जाए बाय टू गेट वन, तो ऐसे कैसे हम लोग अपने पैकेजेस को बेचें ताकि क्लाइंट्स उसको ज़्यादा खरीदें एंड क्लाइंट्स उस चीज़ को प्रेफर करें. ऑप्टिमल साइज क्लाइंट्स वॉन्ट टू बाय, साइज हर टाइप के आते हैं. व्हेन यू गो फॉर सपोज आपको एक शैम्पू का बॉटल खरीदना है, तो वो छोटे से लेके एक बड़े तक में भी आते हैं, एक छोटा सा पैकेट से छोटे से सैशे से बड़ा बॉटल भी आते हैं. सो इट वेरीज एंड जनरली इट इज सीन कि कौन सा ग्रुप ऑफ इनकम कौन सा पर्टिकुलर साइज प्रेफर करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग व्हेन यू गो टू योर नॉर्मल लोकल शॉप, तो वहाँ पे आपको शायद बड़ा बॉटल शैम्पू का नहीं मिले, यू विल गेट स्मॉल सैशेज और स्मॉल बॉटल्स. तो दैट डिपेंड्स कि कौन सा ऑप्टिमल साइज़ है जो क्लाइंट्स प्रेफर करेंगे खरीदने का. सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच एन एफएमसीजी सेलिंग कंपनी सीज. अब हम लोग इन आर पर्टिकुलर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डील विद अ कंपनी कॉल पैटको. पैटको इज़ अ ड्रिंक प्रोड्यूसर कंपनी एंड वॉन्ट्स टू नो अबाउट द वॉल्यूम सोल्ड एंड रेवेन्यू अर्नड एंड मार्जिन्स. सो पैटको इज़ अ कंपनी, उसने हमें अपना पूरा डेटा दिया है एंड दैट कंपनी वॉन्ट्स टू नो कि कितना वॉल्यूम वो बेचा है उसने, कितना रेवेन्यू यानी कि कितना सेल्स, कितना सेलिंग प्राइस उसने कमाया है, कितना टोटल सेल करके. सपोज उसने 10,000 यूनिट्स बेचा, सो दैट इज़ द वॉल्यूम सोल्ड, 10,000 यूनिट्स बेच के सपोज उसको 50,000 मिला, तो रेवेन्यू अर्न विल बी 50,000 एंड मार्जिन इज बेसिकली आपका डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग दैट पर्टिकुलर गुड. इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स फॉर आर स्टडी आर, नाउ व्हाट आर द वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू विच वी विल डिवाइड आर स्टडी इज क्लाइंट एंड क्लाइंट टाइप. हम लोग जब अभी देखेंगे अपने डेटा को तब बहुत क्लियर हो जाएगा चीज़. एक कंपनी जो है पैटको जो एफएमसीजी प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑब्वियसली खाली एक क्लाइंट से डील नहीं करते, वो बहुत सारे क्लाइंट्स से डील करते हैं एंड क्लाइंट के टाइप भी अलग होते हैं. मे बी वो एक सुपरमार्केट में बेच रहे हैं, मे बी एक डायरेक्ट रिटेलर को बेच रहे हैं, तो दीज आर द डिफरेंट क्लाइंट टाइप्स. ब्रांड ऑब्वियसली डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट वो खरीदेगा, डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो बेचेगा. सो व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांड्स एंड कौन से ब्रांड्स में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एंड सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है. साइज़ एंड पैक जो मैंने अभी डिस्कस किया कि what are the sizes in which उसका प्रोडक्ट वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं एंड कैसे उसका पैकेजिंग है एंड कैसे वो उसका पैकेजेस कैसे फॉर्म में है. क्या वो तीन ऐसे भी होते हैं व्हेन यू गो एंड बाय सपोज सोप खरीदना है आपको, तो तीन का पैक साथ में आता है. सो व्हाट इज़ द पैक एंड व्हाट इज़ द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. सो दिस इज़ हाउ वी learn about FMCG and uska modeling. This video was basically on basics of FMCG. If you know it very good, if you don't, you can just Google it also ki aur kya hota hai. Maine almost sare points us video mein cover kar liye ki FMCG hota kya hai.